वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ वेरियस सब डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइटा की स्टडी करेंगे। इससे पहले भी हमने टेरिडोफाइटा के दो सब डिवीजन देखे थे। पहला था साइलोफाइटोप्सिडा और साइलोटॉप्सिडा। आज हम तीन रिमेनिंग सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है लाइकोप्सिडा। इस सब डिवीजन के अंतर्गत लिविंग यानी जीवित और जीवाश्म टेरिडोफाइटा दोनों ही आते हैं और इनका डेवलपमेंट पैलियोज़ोइक ईरा के डेवोनियन पीरियड में हुआ था। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है और स्पोरोफाइट होने के कारण इनमें रूट, स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएशन पाया जाता है। इस सब डिवीजन की एक विशेषता है कि इसमें डायकोटोमस ब्रांचिंग या द्विशाखन प्रकार का ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है। लाइकोप्सिडा के लिए आप याद रखेंगे कि इसकी पत्तियां छोटी होती है, इसलिए इनको लघु पर्णी कहते हैं यानी माइक्रोफिल्लस कहते हैं। और उन छोटी लीव्स में केवल एक मध्य शीरा पाई जाती है, एक इसमें मध्य शीरा पाई जाती है और इनकी पत्तियां स्पाइरली अरेंज्ड होती है, सर्पिल प्रकार से अरेंज्ड होती है। लाइकोप्सिडा में आप याद रखेंगे लिग्यूल का पाया जाना। लिग्यूल कहाँ पाई जाएगी? सेलेजिनेला और आइसोइड जैसे जीनस के पत्तियों के आधार पर लिग्यूल पाया जाता है। इनमें प्रोटोस्टील पाया जाता है केवल। सामान्य रूप से इनमें जो रंभ है वो कौन सा होगा? प्रोटोस्टील, या जिसको ठोस रंभ भी कहते हैं। अपवाद स्वरूप आइसोइड्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, बाकी अन्य के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। स्पोरेंजिया एडेक्सियल सरफेस पर पाया जाता है। एडेक्सियल का मतलब अभ्यक्ष सतह पर, या इसको कहेंगे पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। लाइकोप्सिडा में कोन्स का पाया जाना इनकी एक विशेषता है। इनमें होमोस्पोरस और हिटेरोस्पोरस दोनों ही स्थितियां पाई जाती है। जैसे लाइकोपोडिया में होमोस्पोरस स्थिति पाई जाती है यानी एक ही प्रकार के स्पोर्स होते हैं, और सेलेजिनेला में दो प्रकार के माइक्रो और मेगा स्पोर्स पाए जाते हैं। इनमें गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एक्सोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक दोनों ही प्रकार का होता है। जो होमोस्पोरस स्थिति होती है यानी जिनमें एक जैसे स्पोर्स बनते हैं, उनमें एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट पाया जाता है। एक्सोस्पोरिक का मतलब है कि गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोर्स से बाहर की तरफ यानी स्पोर्स की वॉल के रप्चर होने की से होता है। और एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट हिटेरोस्पोरस जातियों में पाई जाती है। एंडोस्पोरिक का मतलब है कि गैमेटोफाइट का निर्माण स्पोर के भीतर होता है। नेक्स्ट हमारी सब डिवीजन है स्फिनोप्सिडा। ये टेरिडोफाइटा पैलियोज़ोइक ईरा के कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर डेवलप हुए थे और इनमें कुछ लार्ज ट्री लाइक कैलेमाइटिस भी पाए जाते हैं। इनमें केवल एक ही जीनस जो है वो जीवित है, कौन सा है? इक्विसीटम जीनस जो है वो जीवित है, अन्य सभी जो है जीवाश्म हो चुके हैं। इनमें भी रूट, स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएशन पाया जाता है। स्टेम इज ब्रांच्ड आर्टिकुलेटेड विद लॉन्गिट्यूडनल रिजेस एंड ग्रूव्स एंड हैज डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड। इनमें स्टेम के बारे में आपको याद रखना है कि स्टेम के ऊपर जो है रिजेस और ग्रूव
पाए जाते हैं और नोड्स और इंटरनोड यानी संधियां और पर्व संधियां पाई जाती है। इनकी पत्तियां छोटी होती है और शल्की प्रकार की होती है। इनमें दोनों ही प्रकार के रंग पाए जाते हैं, प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील। प्रोटोस्टील होता है ठोस रंभी और साइफोनोस्टील का नाल रंभी। इन स्टील के बारे में हम आगे की क्लासेस के अंदर डिटेल स्टडी करेंगे। जो जीवित जीनस है जैसे इक्विसिटम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। लिविंग फॉर्म्स डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। सम एक्सटिंक्ट फॉर्म हैव सेकेंडरी थिकनिंग। एक्सटिंक्ट फॉर्म कौन से थे? जैसे कैलामाइटिस है तो उसमें जो है सेकेंडरी थिकनिंग्स का पाया जाना देखा गया है। स्फिनोसिडा में स्पोरेंजियो फोर्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, यानी एक विशेष प्रकार के स्टॉक्ड स्ट्रक्चर पर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। उन स्टॉक्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्पोरेंजियो फॉर्म्स। इक्विसिटम जो कि लिविंग फॉर्म है वह होमोस्पर्स होता है। इनका गैमिटोफाइट ग्रीन यानी हरा, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषित और एक्सोस्पोरिक होता है। यानी ऑटोट्रॉफिक होने के कारण ये ग्रीन होगा और ऑटोट्रॉफिक और ग्रीन होने के कारण इनमें जो गैमिटोफाइट का डेवलपमेंट है वह बाहर की तरफ होगा। इनके एंथर ज्यूइट्स मल्टीफ्लैजलेट या बहुकशाभिकीय होते हैं। लास्ट सब डिवीजन है टेरोप्सिडा। टेरिडोफाइटा का ये सब डिवीजन सबसे अधिक डेवलप्ड हाईली इवोल्व्ड ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइटा और सबसे बड़ा ग्रुप है। इनका डेवलपमेंट तो डेवोनियन पीरियड में शुरू हुआ था लेकिन इनका पूरा डेवलपमेंट कार्बोनिफेरस पीरियड के अंतर्गत हुआ था। इनके रूट स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं। इनमें इस सब डिवीजन में अधिकतर प्लांट्स मोस्ट और शेडेड जगह पर रहते हैं लेकिन कुछ एक्वेटिक भी होते हैं जैसे अजोला है, साल्विनिया, मार्सिलिया। एक प्लांट है ओफियोग्लोसम पेंडुलम। यह एपिफाइटिक होता है यानी ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। लाइकोप्सिडा में जहाँ हमने देखा था माइक्रोफिल्लस स्थिति पाई जाती है लेकिन टेरोप्सिडा में मेगाफिल्लस या गुरु पर्णी स्थिति पाई जाती है और इनकी पत्तियां पिन्नेट कंपाउंड होती है यानी पिच्छाकार होती है यानी पंख जैसी होती है। लेकिन ओफियोग्लोसम में लेमिना बहुत ही सिंपल होता है और कंप्लीट होता है। इनका जो रेक्किस है वह भूरे रोम से ढका रहता है, उन रोम को रेमेंटा कहते हैं। यंग फ्रॉन्ट्स आर सिर्सिनेटली कॉइल्ड। युवा पत्तियां जो होती है वह सर्पिल रूप से कुंडलित रहती है और उस स्थिति को किसले कुंडलित कहते हैं या सिर्सिनेटली कॉइल्ड कहते हैं। टेरोप्सिडा चूंकि हाईली इवोल्व्ड ग्रुप है इसलिए आप इस स्थिति को इसके स्टील से कैसे रिलेट करेंगे कि इनमें सभी प्रकार के स्टील पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार की स्थितियां पाई जाती है, होमोस्पोरस भी होते हैं और टेरोस्पोरस भी होते हैं। होमोस्पोरस यानी एक ही प्रकार के स्पोर्स होते हैं जैसे टेरिस, टेरिडियम और ड्रायोप्टेरिस, और हिटेरोस्पोरस में यानी दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, मार्सिलिया और पिल्यूलेरिया। इनकी स्पोरेंजिया पत्तियों के अभ्यक्ष या वेंट्रल सतह पर या उनके मार्जिन्स पर डेवलप होते हैं और स्पोरेंजिया ग्रुप्स में डेवलप होते हैं और उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? सौराई कहते हैं। और वे पत्तियां जिनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं। टेरोप्सिडा में एक विशेषता ये होती है कि इनकी जो स्पोरेंजिया है वो एक आवरण से, सुरक्षा आवरण से ढके होते हैं, उस आवरण को इंडुइज्म कहते हैं। इनमें दोनों ही
प्रकार के स्पोरेंजियल डेवलपमेंट पाए जाते हैं। स्पोरेंजियल डेवलपमेंट दो प्रकार के होते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट एक ही कोशिका से होता है और यूस्पोरेंजिएट में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कोशिकाओं के एक समूह के द्वारा होता है। स्पोर्स गिव राइज टू ऑटोट्रॉफिक प्रोथेलस, इनमें प्रोथेलस हरा और स्वपोषी होता है। एंथरजोइड्स, इनमें मल्टीफ्लैजिलेट या बहुकोशाभी की होती है। इनमें जायगोट का फॉर्मेशन होकर उससे फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने टेरिडोफाइटा के 5 सब डिविजन्स के बारे में स्टडी करके इनमें पाए जाने वाली वेरिएशंस को जाना है।